मेरी सास ने बोला कि यार ये पहली फिल्म है, वो आजकल की फिल्मों में थोड़ा डरती है वो कि कब कहाँ और ओटीटी पे कौन क्या बोल दे और कैसा सीन आ जाए। बोली ये ऐसा पिक्चर है जो पहले हमारे जमाने में आता था, पूरा परिवार बैठ के देखो, और हम डरे हुए थे कि कहाँ कौन गाली देने लगेगा, क्या हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मेरी पत्नी देखी, बोली यार क्या जरूरत है बैलगाड़ी, तुम गाना गा रहे हो। मैं बोला तुम्हारा पति मत देखो ना, वो बैंड वाली बाजा वाला आदमी है। मेरे लिए मोस्टली ट्रेनिंग था वो जो बैलगाड़ी सॉन्ग में पत्नी के साथ जरूरत से ज्यादा प्यार दिखाना। मैं रियल लाइफ में मैं बिल्कुल उतना, मैं अपनी पत्नी के साथ भी नहीं ऐसा कूदना उछलना और ये सब, इतना बबली और इतना हैप्पी गो लकी टाइप आदमी मैं हूँ नहीं। मुझे लगा गुरु सिनेमा और कहानियों को मेरे लिए, मैं भी कुछ सीख रहा हूँ, कुछ समझ रहा हूँ कागज के थ्रू, और जीवन ही समझने का काम है दोस्त। हम तो बार बार जो भी हम काम करते हैं और वो काम आती है, और वो काम आने के बाद हम बहुत कुछ सीखते हैं, समझते हैं उससे। और राइट, तो साल की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म के साथ जिसका नाम है कागज, और जो कि अब Z5 प्रीमियम पर स्ट्रीम कर रही है। और मेरे साथ जो शख्स आज यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने हमें पिछले इतने सालों में बहुत एंटरटेन किया है, हंसाया है, रुलाया है, और बहुत अच्छी बात ये भी है कि 2020 में जो सबके लिए बहुत ही कठिन साल रहा, उसमें उन्होंने हमें और इतना ज्यादा एंटरटेन किया, और लगभग तकरीबन आई थिंक सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे वो छाए हुए थे। और इट्स जस्ट अमेजिंग कि अब इस साल की शुरुआत भी कागज से हो रही है जो कि Z5 पे, जैसा कि मैंने कहा, अब स्ट्रीम कर रही है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं पंकज त्रिपाठी जी। पंकज सर, वेलकम, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, शुक्रिया श्वेता आपका भी। सर सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर, और न्यू ईयर की शुरुआत जैसे मैंने कहा कागज से हो गई है, तो किस तरह से क्या कुछ हो रहा है, कैसा आपका न्यू ईयर बीत रहा है और कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है तुमको? कुछ नहीं, नया साल तो मैं कहीं गया नहीं, घर पे ही हूँ। और मैं वैसा आदमी हूँ ना कि मैं बहुत ही थोड़ा अलूफ और इत्मीनान के जोन में रहता हूँ। 24 दिसंबर को 2 प्रोजेक्ट आए, क्रिमिनल जस्टिस हॉटस्टार पे, शकीला थिएटर में आई, आज कागज आई, कागज का ट्रेलर पोस्टर आने लगे जी। और मैं इत्मीनान से घर में दाल रोटी खा रहा था, बना के और बैठा हुआ था, और निश्चिंत था, और चाह रहा था कि जितना कम से कम इंटरव्यू देना पड़े, जितना कम से कम मीडिया इंटरेक्शन हो, तो अपना काम हो जाए बस। मैं तो इनफैक्ट सोशल मीडिया पे भी ट्रेलर पोस्टर डालने में 10 बार सोचता हूँ कि ऐसा ना हो कि लोग बोर हो जाए यार, इतने आदमी, बट क्या करें, जब फिल्में आती हैं तो हम लोग थोड़ा परेशान करते हैं। तो मैं निश्चिंत था, इत्मीनान था, घर पे खाना पीना बना रहा था, खा रहा था। अब शूटिंग शुरू कर दी है तो आज मैं सेट पे हूँ, मैं अपनी वैन में बैठा हूँ जी। तो नहीं सर, पर आई थिंक मैंने जैसा हमने भी स्टार्टिंग में भी जो बात की, मैं यही कह रही थी आपको कि लोग आपको देखने से ज्यादा सुनना पसंद करते, जैसे आपने भी कहा कि आजकल लोग सुनते हैं और वो बहुत ज्यादा इंस्पायर भी होते हैं। आई थिंक यू आर वन ऑफ द फ्यू एक्टर्स जिसको लोग जेन्युइनली सुनना पसंद करते हैं, तो हमें तो बहुत मजा आता है जब भी आप कुछ भी हमसे बात करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर के, या इवेंचुअली किसी और चीज के लिए भी। तो इसके अलावा मैं जानना चाहूंगी कि किस तरह का रिस्पांस आपको मिल रहा है, क्योंकि आप तो रिलीज हो गई, आपने स्क्रीनिंग भी अटेंड की थी आई थिंक कागज की कुछ दिनों पहले सतीश जी के साथ। और मैं फिल्म देखा था, अभी देखा, मैं पहली बार देखा इनफैक्ट 3-4 दिन पहले, आने के दिन 6 तारीख को देखा था, 6 को रात में आई थी 6 को, क्योंकि मेरे सास ससुर आए थे, तो मेरा मन हुआ कि यार फिल्म देखा नहीं, वो देखते हैं, तो मैं बोला उनको चलो देखते हैं। सो मैं गया और हमने फिल्म देखी, अच्छा उन्हें बहुत पसंद आया। मेरी सास ने बोला कि यार ये पहली फिल्म है, वो आजकल की फिल्मों में थोड़ा डरती है वो कि कब कहाँ और ओटीटी पे कौन क्या बोल दे और कैसा सीन आ जाए। बोली ये ऐसा पिक्चर है जो पहले हमारे जमाने में आता था, पूरा परिवार बैठ के देखो, और हम डरे हुए थे कि कहाँ कौन गाली देने लगेगा, क्या हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो मुझे ये बात सुन के मैं सोचने लगा कि यार ये आई नो कि ओटीटी पे हम वो डिस्क्लेमर देते हैं कि ये कंटेंट हमारा, ये कहानी 18+ के लिए है, इसके लिए है, बट अभी भी हम उस ऑडियंस का एक वो माहौल का ख्याल ऐसी फिल्मों में रहता है कि यार पूरा परिवार बैठ के साथ देख लीजिए, हर एज ग्रुप का, आपको मतलब ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि कुछ सीन आ गया और दो सब लोग एक दूसरे से थोड़ा बाएं दाएं देखने लगे। सो ये अपने आप में मुझे उनका ये स्टेटमेंट था, और सुनकर मैं सोचने लगा कि हाँ यार मैं तो इस एंगल से कभी सोचा ही नहीं था। सो अच्छा है, उन्हें काफी पसंद आया।
सेम टाइम मैं मेरे कुछ एक आध दोस्त हैं जिनको जानता हूँ मैं, क्रिटिक्स रिव्यू करते हैं, उनको उतनी पसंद नहीं आई, वो एक्टिंग की तारीफ किए लेकिन उन्हें लगा कि यार फिल्म में कुछ और होनी चाहिए। सो मैं बैठ के सोचने लगा, मैं बहुत पॉजिटिव लेता हूँ क्रिटिसिज्म को, आलोचना को, क्योंकि वो आलोचनाएं हमें बनाती हैं, वो बेहतर करती हैं। बट यस, सेम टाइम की क्रिटिसाइज कौन कर रहा है वो भी डिपेंड है। हाँ। कि जो बता रहा है उसको कितनी समझ है आर्ट की, विधा की। मैं सोचा क्या है ना कि दरअसल ये बायोपिक है लेकिन एक आत्मा से ये कमर्शियल फिल्म है, व्यावसायिक फिल्म है। कईयों ने बोला कि गाने की क्या जरूरत थी, यस, किसी आदमी की जिंदगी में गाने कहाँ होते हैं, और आइटम सॉन्ग तो बिल्कुल ही नहीं होता है, कोई भी सॉन्ग नहीं होता हमारी जिंदगी में। तो कागज एक ऐसी साफ सुथरी एक कहानी है और जिसमें एक रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है, और इसको इसका अप्रोच है थोड़ा सटायरिकल, थोड़ा लाइटर में, थोड़ा ब्लैक कॉमेडी के संग और मनोरंजन के साथ। ये कारण है कि जब वकील मिलते हैं और थोड़ी सी संभावना दिखती है कि यार वो बोलता है कि मैं एक्सपर्ट वकील हैं और उन्होंने बोला है कि सब ठीक कर दूंगा, सो थोड़ी सी वहां मूवमेंट आती है। वो साड़ी लाया है पत्नी के लिए और एक गाना शुरू हो जाता है, बहुत मेलोडी है उस उदित सर और अलका जी बैलगाड़ी। सो मुझे याद है तो मेरी पत्नी देखी, बोली यार क्या जरूरत है बैलगाड़ी, तुम गाना गा रहे हो। मैं बोला तुम, तुम्हारा पति मत देखो ना, वो बैंड वाली बाजा वाला आदमी है। तो खैर हाँ, आप क्या सवाल था, मैं क्या बोल रहा हूँ। नहीं सर, यही जानना चाहती थी कि किस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिला है जो आपने ऑलरेडी। बहुत बढ़िया। मतलब कुछ लोगों ने तो ऐसा मैसेज करके और जहां तहां से बोला कि हमने आज तो पिछले कई सालों से इतनी अच्छी फिल्म नहीं देखी, तुमने कमाल किया, तुम एक्टिंग कर नहीं रहे थे, भरत लाल ही लग रहे थे, हमें मालूम लग रहा था कि तुम एक्टर नहीं हो। सो बहुत 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 और वो उन मतलब मैं बड़ा ओवरवेल्म हुआ कि अच्छा यार सिनेमा इस तरीके से भी लोग लेते हैं। मुझे बंगला और असम से बहुत सारे मैसेज आए, तो मुझे लगता गुरु सिनेमा और कहानियों को मेरे लिए, मैं भी कुछ सीख रहा हूँ, कुछ समझ रहा हूँ कागज के थ्रू। और जीवन ही समझने का काम है दोस्त, हम तो बार बार जो भी हम काम करते हैं और वो काम आती है और वो काम आने के बाद हम बहुत कुछ सीखते हैं, समझते हैं उससे। सो यस, बहुत बहुत लोगों ने पसंद किया और मैं तो धन्य हूँ। 2018 में फिल्म बननी शुरू हुई थी, 2018 सितंबर अक्टूबर में जी। और मैं, मुझे याद है, मैं लुका छुपी खत्म करके, लुका छुपी एक फिल्म थी हमारी, और वो खत्म करके सीधे मैं कागज के सेट पे आया था। मैंने लंबी मूंछ को छोटी मूंछ कर ली थी बस। पर सर ये जब आप, जैसे भी आपने बोला आप लुका छुपी के सेट से एकदम कागज के सेट पे आए, तो लुका छुपी में जो आपका कैरेक्टर था वो बड़ा ही मतलब फनी था, मतलब आई रिमेम्बर दैट कैरेक्टर, वो बहुत ही मतलब अजीब सा पागल सा इंसान था, तो उस किरदार और इस किरदार में जमीन आसमान का फर्क है। जब आप एक सेट से दूसरे सेट पे जाते हैं, कितना समय लगता है एक किरदार को पीछे छोड़कर दूसरे किरदार में घुसने के लिए? एक दो दिन लगते हैं मुझे, एक दो दिन एक्चुअल सुर समझने में लगता है, सुर पकड़ने में लगता है एक दो दिन। बट काम लायक तो मैं पहले दिन से भी कर लेता हूँ कि डायरेक्टर को चाहे ऑडियंस को समझ में ना आए, काम शुरू तो पहले दिन हो जाता है, लेकिन मुझे सुर समझने में एटलीस्ट दो दिन लगता है। दूसरे दिन शूटिंग के शाम होते होते मेरे को वो कैरेक्टर थोड़ा थोड़ा गाइड करने लगता है कि मुझे कैसे करो। कोई ऐसा कोई कठिन सीन रहा जिसको शूट करने में आपको थोड़ी तकलीफ हुई हो सेट पर शूटिंग के दौरान, जिसको इमोशनली ड्रेनिंग हो आपके लिए या फिजिकली थोड़ा डॉन्टिंग हो, ऐसा कोई सीन था? नहीं, मेरे लिए इमोशनली ड्रेनिंग था वो जो बैलगाड़ी सॉन्ग में पत्नी के साथ जरूरत से ज्यादा प्यार दिखाना। मैं रियल लाइफ में मैं बिल्कुल उतना, मैं अपनी पत्नी के साथ भी नहीं ऐसा कूदना उछलना और ये सब, इतना बबली और इतना हैप्पी गो लकी टाइप आदमी मैं हूँ नहीं। या हूंगा भी अंदर से तो शायद वो सामाजिक दबाव, मेरी पत्नी परेशान रहती है कि तुम मतलब मेरे साथ ऐसे कर क्यों चलते हो। हम उस एरा के लोग हैं ना जो पत्नी और पति में 12 फीट का डिस्टेंस हो चलने में भी। सो एरा के नहीं हूँ मैं तो, अभी का ही हूँ, बट माइंडसेट वैसी है। अच्छा, खैर, तो मुझे वो सीन मेरे लिए थोड़ा, मेरे लिए सबसे ज्यादा एक्टिंग वही है उस गाने में मैं कर रहा हूँ। मैं ज्यादा ही खुश हूँ और ज्यादा ही वो मोंटाज है, सॉन्ग है तो मैं उछल रहा हूँ। बट ठीक है, फन है उसको मैं वैसे नहीं लिया था लोड के तौर पे, मैं मजे के तौर पे लिया था कि ये काम मैंने अभी तक सिनेमा में नहीं किया है तो अब ये करते हैं, देखते हैं क्या होगा। पता नहीं,
एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं क्या होगा। लेट्स सी। पंकज जी, आई थिंक ये पूरा इंटरव्यू जो है ये प्रवचन नहीं है, ये एक बहुत ही हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन है जो मुझे हमेशा आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगता है। और इस बार फिर एक और बार आपके अभिनय के साथ तो ऑफकोर्स हम लोग को बहुत ही ज्यादा वो देखने में हम एकदम से मतलब यू नो उस जोन में चले जाते हैं। आप अपने हमें आप अपनी दुनिया में लेकर के चले जाते हैं और आई थिंक विद योर इंटरव्यूज ऑल्सो वी सी दैट। बट थैंक यू सो मच पंकज जी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आपके और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स आए और हम फिर से बात करें और आपको स्क्रीन पे देखें। थैंक यू सो मच हमें एंटरटेन करने के लिए और इस इंटरव्यू के लिए। शुक्रिया शुक्रिया, अपना ख्याल रखें और अपने माता जी को फिर से प्रणाम मेरा बोल दें। जी बिल्कुल। हाँ तो दोबारा उनको बोले देख ले फिर से आप कागज, हमारी फिल्म Zee5 पे आ चुकी है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो जरूर देखें।